हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडिया के अगले एपिसोड में चल रहे हैं अपन। फ्रीडम स्ट्रगल में हमने 1942 में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ते हैं, इधर गांधी जी और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, तो जब गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ों को डर लग रहा होता है कि ये लोग खतरनाक साबित हो सकते हैं, एक रणनीति बना सकते हैं, लेकिन गांधी जी तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए लोगों को पहले ही मैसेज दे चुके थे, तो आंदोलन तो सफल होना ही था। इसी के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी घटनाएं हैं, क्रमबद्ध तरीके से ले लेता हूं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। 1942 में ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन भेजती है, ठीक है, और ये असफल हो गया। इसी के कुछ समय पश्चात ही, मतलब इसी के दरमियान भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें हमारे हवाले छोड़ जाओ, हम अपना देश अपने आप को चला लेंगे। इसी बीच बता दो, जब गांधी जी जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब जेल चले गए थे, तो गांधी जी को दो व्यक्तिगत क्षति हुई थी बहुत बड़ी। वो ये कि पहला, गांधी जी की पत्नी का देहांत यहीं हो गया जेल के दरमियान ही। दूसरा, गांधी के जो निजी सचिव थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, महादेव देसाई, उनका भी डेथ हो गया। और इसी बीच जब गांधी जी जब रिहा होकर निकले, तो एक घटना घटती भी है। गांधी जी जहां पर निवास करते थे उस जगह पर जाते हैं, और ये जो बात थी गांधी जी से छुपा ली गई थी, मतलब छुपा क्या ली गई थी, डायरेक्टली नहीं बताई गई थी, आप ऐसे समझें। तो जब गांधी जब जेल से छूट के चलते हैं, तो गांधी जी के पीछे हजारों की भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व तो है कि निश्चित रूप से जहाँ खड़े हो जाए वहाँ लोग खड़े हो जाते थे। तो जब गांधी जब अपने आवास की तरफ चलते हैं, तो लोग भी चलने लग जाते हैं, लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि गांधी जी किधर रहे हैं। जब आगे जब जाते हैं, तो दरवाजा खटखटाते हैं, लोगों ने सिर नीचे पकड़ लिया, मतलब लोगों ने सिर नीचे कर लिया। गांधी ने लोगों का सिर देखा, और जैसे ही देखा, तो दरवाजा जो था वो दरवाजे के ऊपर देखा तो ताला लगा हुआ था, और जब ताले पर जब गांधी ने हाथ डाला, तो उस पर धूल जमी हुई थी। गांधी उस धूल को देखकर समझ गए कि कस्तूरबा गांधी अब इस दुनिया में नहीं है। तभी कुछ लोग गांधी जी से बोलते हैं कि गांधी जी, आज दुख तो बहुत हो रहा होगा आपको, आपकी जीवन साथी आपका साथ छोड़ के चली गई। गांधी ने कहा, नहीं, मुझे दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा साथ देने वाले तो हिंदुस्तानी लोग हैं। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। मुझे अफसोस इस बात का है कि अंग्रेजों भारत छोड़ के कब जाओगे। बस एक सपना है, इस देश की आज़ादी देख लूं, अगर आज़ादी नहीं देख पाया तो मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अब इसी किस कुछ दिन पश्चात वर्ल्ड वार चल ही रहा था। वर्ल्ड वार का क्या कंक्लूजन निकला, वो एक बार दोबारा बता देता हूँ। कल बता चुका हूँ, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और यूएसएसआर, और इधर इटली, जर्मनी और जापान। इटली का शासक मुसोलिनी चारों तरफ से घेर लिया गया है, एनकाउंटर कर दिया अमेरिका ने, मारा गया। जर्मनी का शासक एक हिटलर जो था, वो पहाड़ी की तरफ छिपा हुआ था, चारों तरफ से घेर लिया है। अमेरिका ने लाउडस्पीकर पर आवाज़ लगाई, अमेरिका की गवर्नमेंट ने, कि हिटलर तुम चारों तरफ से घेर दिए गए हो, या तो सरेंडर कर दो या मार दिए जाओगे। तो हिटलर ने पहले ही कह दिया था कि मैं कभी भी दुश्मन की गोली से नहीं मरूंगा। इसलिए हिटलर की एक प्रेयसी थी जिससे वो प्यार करता था। इसमें उसने क्या किया कि अपनी प्रेयसी से पहले उसी वक्त पहाड़ी में ही उसने सबसे पहले तो शादी की, और शादी करने के पश्चात उसकी हत्या कर दी। मतलब हत्या क्या कर दी, उसको जहर दे दिया, ऐसे समझो। उसका एक कुत्ता था जिस कुत्ते से भी बहुत प्यार करता था, उस कुत्ते को भी साथ ऐसे ही कर दिया, मार दिया, और खुद आत्महत्या कर ली। अर्थात इटली का भी अंत हो गया, अर्थात जर्मनी का शासक हिटलर भी मारा जा चुका है। अब बच गया जापान। अमेरिका ने जापान से कहा कि तुम्हारे दो साथी मारे जा चुके हैं, वो दोनों देश खत्म हो चुके हैं, तुम भी अब सरेंडर कर दो, अच्छा रहेगा। लेकिन अब जापान नहीं माना, जापान ने बोल दिया, जब तक है दम लड़ेंगे हम।
जापान ने युद्ध आगे स्टार्ट किया, अमेरिका समझ गया कि जापान ऐसे नहीं मांगेगा, इसीलिए अमेरिका ने जापान के दो बड़े बड़े शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उन दोनों पर परमाणु बम, न्यूक्लियर बम छोड़ दिए और हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। आप सोच के देखिएगा, आज इंडिया के दो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, दो मेन एरिया हैं, कैलकटा, मुंबई, दिल्ली, मेनली तीन में से कोई भी दो मान लो, जापान में इन तीनों में से, मान लो ये तीन जापान में होते और इन तीन में से किसी दो को तबाह कर देता तो निश्चित रूप से सारी की सारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी टूट जाती। जापान के साथ यही हुआ और अमेरिका ने शाम को धमकी दे दी कि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया कल सुबह तक तो टोक्यो भी उड़ा दिया जाएगा। अब जापान के लिए बहुत मामला अटक गया, इसीलिए जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने सुबह 4 बजे के आसपास अमेरिका को संदेश भेज दिया कि हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। और यहीं पर अमेरिका ने 1945 में जापान को अपना गुलाम बना लिया और 1945 से लेकर 1952 तक जापान अमेरिका का गुलाम बना रहा। जापान के इतिहास को समझना है तो मेरी गवर्नेंस के वॉल्यूम को एक बार देख लीजिएगा, उसमें जापान की पूरी हिस्ट्री समझाई गई है, आपको समझ में आ जाएगी वो। अब इधर आ जाते हैं, इधर वर्ल्ड वार खत्म हो गया और इसी के आसपास ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड वेबल को भेजते हैं इंडिया और वेबल से कहते हैं भारत में जाके बात करो कि उनके आगे उनके लिए क्या प्लान होना चाहिए। तो लॉर्ड वेबल इंडिया में एक शिमला नामक स्थान पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, इसे शिमला सम्मेलन कहते हैं या वेबल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉन्फ्रेंस में कुछ मतभेद उत्पन्न होने के कारण ये कॉन्फ्रेंस असफल सिद्ध हो गई, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। नेक्स्ट यहाँ खत्म हो, ये 1945 की घटना है, ठीक है। अब आ जाएं, अब मैं सीधा का सीधा आपको ले चलता हूँ क्योंकि अब मैं जानता हूँ इस इतिहास का एक 11वां वॉल्यूम चल रहा है जिसमें आप बोर हो चुके होंगे, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, तो इसलिए अब सीधा का सीधा भारत को स्वतंत्र कराने की बात करता हूँ कैसे हुए। 1946 में 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है जो भारत के लिए संविधान बनवाने की बात करेगा। इस कैबिनेट मिशन में तीन मेंबर थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, A.V. Alexander। ये तीन बंदे हैं और ये भारत के इस कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा बनवाएंगे। अब धीरे धीरे चलेंगे, ध्यान रखना, मैं आराम आराम से समझाऊंगा ताकि दिक्कत ना हो आपको। ये भारत की संविधान सभा बनवाएंगे। अब कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो संविधान सभा बननी है वो इस प्रकार बननी है। आ जाए संविधान सभा में कुल 389 मेंबर होने हैं। इस 389 मेंबर में से 296 मेंबर जो होंगे वो प्रिंसली स्टेट या देसी रियासतों के होंगे, प्रोविंस के होंगे, मतलब प्रोविंस का मतलब प्रांतों के होंगे, ठीक है। और 93 मेंबर जो होने हैं वो देसी रियासतों से होने हैं, ठीक है। और जो 93 जो सदस्य आएंगे उन्हें देसी रियासतों के राजा महाराजा अपने में से चुन के भेजेंगे, इनका चुनाव नहीं होना था, ये अप्रत्यक्ष रूप से आने थे। और 296 के लिए प्रांतीय विधानसभाएं लेजिस्लेटिव असेंबली बोर्ड डाल के भेजेंगे। और इसका जो आकलन था वो ये था कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग एक सदस्य होगा, संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख की पॉपुलेशन पर होगा, तो उस टाइम की इंडिया की पॉपुलेशन आप समझ सकते हैं कितनी रही होगी। नेक्स्ट, इसके लिए राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव हुए, चुनावों के पश्चात जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला, 208 सीटें संविधान सभा में कांग्रेस को मिली। दूसरा पॉइंट, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, मतलब मुस्लिम लीग जीती। और ये टोटल मिला लो आप कितनी हो गई, करीब, और 15 सीटें अदर्स को मिली, मतलब अदर्स को मतलब निर्दलीय और अन्य पार्टियां थी, आप जोड़ लीजिएगा टोटल ये बराबर बैठेगा, इतना ये निकला। और संविधान सभा की बैठक शुरू होती है, जो बैठक शुरू हुई वो ऐसे होती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है,
ध्यान रखिएगा, इस पहली मीटिंग में केवल और केवल 221 सदस्यों ने भाग लिया था। आप कहोगे बाकी क्यों नहीं आए, क्योंकि देसी रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया हमें भारत में शामिल नहीं होना, हमें अलग देश बनाना है। दूसरी बात, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम भारत की संविधान सभा नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, और हम पाकिस्तान जो अलग देश बनेगा उसकी संविधान सभा में शामिल होंगे। अतः ये और ये दो तो संविधान सभा से पहले ही हट गए। इसका मतलब ये दो बचे थे, इनमें से 221 आए थे, मतलब टोटल 208 और 15 कितने हो रहे हैं, 223। 223 में से 21 आए, दो नहीं आ पाए थे उस दिन। अब आपके सामने अब दिक्कत आ रही है। अब यहां दो बातें समझनी है। पहली बात, ध्यान रखिएगा, मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, आपको बीच मझधार में नहीं डाल के जाऊंगा। पहले यह भी पूरा समझाऊंगा कि देसी रियासतें भारत में कैसे आई हैं, सबकी सब, सारी की सारी 500 के ऊपर जितनी भी देसी रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल या अन्य प्रयासों से कैसे कैसे आई हैं, यह भी सारा समझाऊंगा आपको। दूसरा, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का क्या हुआ है, वो भी आपको समझाने जा रहा हूं। तो अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये संविधान सभा बन गई, संविधान सभा संविधान बनाएगी, ये भारत में आ जाएंगी सबकी सब, ये पाकिस्तान वाले हिस्से में अलग चली जाएंगी। अब क्या होगा, आ जाए, अब इधर इधर भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। अब समझ रहे, एक स्टेप बाई स्टेप, इधर भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग बन चुकी है और लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया का गवर्नर जनरल बनकर आ चुका है। लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ के लिए सबसे बात की, तत्पश्चात गांधी जी से बात की और गांधी जी से विचार विमर्श किया कि गांधी जी आगे के लिए देश की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो गांधी जी ने साफ साफ कह दिया कि संविधान सभा के अकॉर्डिंग संविधान बनाया जाए और आप देश को आज़ाद करें और स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास करके भारत को आज़ाद कर दिया जाए। नेक्स्ट, और इस बीच आपको पहले बता दूं, इधर ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर घोषणा कर चुके थे कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा और उसी के एवज में संविधान सभा बनी भी थी। तो अब गांधी जी ने कह दिया कि अब आजादी के लिए प्रयास करो। इधर जवाहरलाल नेहरू से जब लॉर्ड माउंटबेटन की मीटिंग हुई तो जवाहरलाल नेहरू भी साफ साफ बोलने लगे कि भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया जाए और ब्रिटेन के यहां पर ऐसे ऐसे कानून बने और जिससे भारत को स्वतंत्रता मिले। इधर मोहम्मद अली जिन्ना से जब लॉर्ड माउंटबेटन की बात हुई तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया, साफ साफ स्पष्ट बोल दिया, क्या, कि हमें पाकिस्तान से नीचे कुछ नहीं चाहिए, पूरा का पूरा देश चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान से नीचे एक पाई भी नहीं लेने को तैयार होंगे। अब समझे, अब जब मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए तो लॉर्ड माउंटबेटन दोबारा गांधी जी के पास पहुंचे और गांधी जी से कहा कि गांधी जी आप बताइए क्या करना है। इधर इधर लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान से नीचे कोई मांग नहीं मांग रहे हैं, तो क्या करना होगा गांधी जी, आप स्पष्ट सलाह दीजिए। तो गांधी जी ने साफ साफ कहा, एक काम करो, यदि जिन्ना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान चाहते हैं तो एक काम किया जाए, आप भारत का प्रधानमंत्री जिन्ना को बनाओ, कम से कम बंटवारा तो रुक जाएगा, बंटवारा तो रुक जाएगा। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू बीच में अड़चन सी डालने लग गए। अतः गांधी जी को लग गया कि अब मोहम्मद अली जिन्ना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षाएं प्रतीत हो रही हैं उनसे, और जवाहरलाल नेहरू भी देश में एक ऐसी स्थिति लाना चाहते थे या प्रतीत होती थी जिससे वो प्रधानमंत्री पद की प्राप्ति चाहते रहे। इसी बीच गांधी जी दिल्ली की राजनीति छोड़कर बंगाल की तरफ चले गए। अब उस वक्त बता दूं 1946-47 में माहौल में थोड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, उसी तरफ इंडिया में पंजाब, उस ये जो पाकिस्तान का पंजाब और सिंध वाला हिस्सा और इधर बंगाल वाला हिस्सा, ये सब भारत का हिस्सा था उस वक्त, तो चूंकि बंटवारा अभी तो हुआ नहीं है, इसी वक्त पंजाब और इधर सिंध वाले प्रांत में हिंदू और मुस्लिमों में दंगे हो रहे थे और इधर बंगाल की तरफ दंगे हो रहे थे।
इधर जब गांधी को लगा कि यहां राजनीतिक प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुका है, तो गांधी ने एक ट्रेन पकड़ी और गांधी जी बंगाल की तरफ चले गए। जब गांधी बंगाल में गए तो बंगाल में नोआखली में दंगे हो रहे थे, वहां हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं। तब ऐसे में गांधी वहां पर जाकर हिंदू और मुसलमान के मध्य दंगे को शांत कराते हैं। आपको शायद, आपको एक बात बता दूं, नाना पाटेकर की एक मूवी आई थी, शायद मुझे नाम याद नहीं है, पता नहीं तिरंगा या क्रांतिवीर है, उसमें नाना पाटेकर का एक सीन था जिसमें एक हिंदू और मुसलमान की उंगली को पत्थर से कुचलकर वो उसमें से खून निकलता है, दोनों के हाथों को मिलाता है। जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं, ये सीन गांधी जी द्वारा क्रिएट किया गया था और इसे दर्शाया गया है फिल्म में। जनरली गांधी जी हिंदू और मुसलमानों के खून के आधार पर कहते हैं कि ये खून हिंदू का है और ये खून मुसलमान का है और मैं दोनों को मिला देता हूँ, और फिर हिंदू से पूछते हैं तू इसमें से हिंदू का खून निकाल ले और तू इसमें से मुसलमान का खून निकाल ले। न हिंदू निकाल पाया, न मुसलमान अपना खून निकाल पाया। तब गांधी ने कहा, जब बनाने वाले ने, जब प्रकृति ने, जब ऊपर वाला जिसे तुम खुदा कहते हो या जैसे भगवान या अल्लाह कहते हो, जब उसने बनाने में भेदभाव नहीं किया, तो तुम दो कौड़ी के इंसान अपने फायदे के लिए हिंदू और मुसलमान का भेद करते हो। गांधी ने जब ऐसी बातें इमोशनली जब बातें कहीं तो लोगों को अपनत्व जाग गया और हिंदू मुसलमानों से और मुसलमान हिंदुओं से गले मिलने लग गए और नोआखली का दंगा रुक गया। जब ये बात पता चली लॉर्ड माउंटबेटन को कि नोआखली का दंगा शांत हो गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी को एक नाम दिया था, वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक आदमी पूरी बाउंड्री का काम करता है। पूरी आर्मी लगा दी माउंटबेटन ने, वो दंगा नहीं रोक पाई और गांधी अकेले जाके रोक आए। इसी के कुछ समय पश्चात बैकग्राउंड ऐसी बनी कि लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली के मध्य एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग का परिणाम ये निकला कि 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को विश्व के मानचित्र पर दो देश उभर चुके थे। पहले को पाकिस्तान और दूसरे को भारत कहा गया था। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बनाए गए और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली बनाए गए। दूसरा, भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन बनाए गए और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन के बाद भारत में दोबारा सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। गवर्नर जनरल यहां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राजगोपालाचारी को भी ब्रिटेन की महारानी ने अपॉइंट किया था। जब राजेंद्र प्रसाद जब भारत में शपथ लेंगे, तब राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बोला जाएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति ब्रिटेन की महारानी ने नहीं की थी, भारत की संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को चुना था। मैं बाद में यह भी बताऊंगा कि संविधान सभा ने क्या क्या किया है। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका होगा। अब जब बंटवारा हो ही चुका है, भारत और पाकिस्तान दो बन चुके थे, भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो चुके हैं, तो इस वक्त गांधी जी अपने घर पर दिल्ली में थे और बहुत उदास थे। और अगले दिन सुबह 7:30 बजे मोहम्मद अली जिन्ना गांधी से मिलने जाते हैं। जब मिलने जाते हैं तो बाहर एक बाई बैठी थी। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि बा, मुझे गांधी से बात करनी है। बा कहती हैं, बताओ, मैं तुम्हारा संदेश दे दूंगी। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूँ। बा गेट खटखटाती हैं और कहती हैं, बापू, तुमसे कोई मिलने आया है। तो बापू ने अंदर से आवाज़ लगाई, बा, मैं अभी 2 दिन तक किसी से मिलना नहीं चाहता, उनसे बोल दो 2 दिन बाद आ जाएं। तो बा ने बोला जिन्ना को जाके कि वो मिलने की मना कर रहे हैं। तो जिन्ना ने कहा, आप उनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि जिन्ना आखिरी बार उनसे मिलना चाहते हैं। बा ने फिर गेट खटखटाया और बोला, बापू, जिन्ना आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते हैं, उनसे बोलो बैठे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। गांधी निकल के आते हैं। जब गांधी निकल के आए और जब ज़मीन पर बैठते हैं तो गांधी की आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद ये रात भर सोए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बंटवारे का दर्द गांधी के जहन में बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। जैसे ही सामने बैठते हैं तो जिन्ना सबसे पहले हाथ जोड़ कर कहते हैं, बापू, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बापू, अब तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है,
लेकिन बापू बंटवारा समय की एक मांग थी, अगर बंटवारा नहीं होता तो हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को मार देते। बापू दंगे हो चुके थे हिंदुओं मुसलमानों में। बापू परिस्थितियां ऐसी थी कि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। कोई बात नहीं जिन्ना, अब बताओ मुझसे क्या चाहते हो। बापू बस एक आखिरी ख्वाहिश है, कल मुझे इस्लामाबाद के लिए ट्रेन पकड़नी है। मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? बोलो क्या है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं ट्रेन से जाऊँ तो आप स्टेशन तक मेरे साथ चलें, स्टेशन तक मुझे छोड़ने जाएं। ठीक है। गांधी पहुँचते हैं स्टेशन। जब स्टेशन पहुँचते हैं तो गांधी जमीन पर बैठे थे एक कुछ बिछा के, और बहुत सारे लोग भी बैठे थे। इसी बीच जिन्ना आते हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल बनने जा रहे थे, सिक्योरिटी भी थी। जिन्ना आते हैं, 15-20 पुलिस वाले हैं। गांधी देखते ही खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर जिन्ना फिर गांधी के सामने हाथ छोड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना बापू, मुझसे गलती हो चुकी है या जो भी हुआ है, लेकिन परिस्थितियाँ आप भी समझते हैं कैसी थी, और इस परिस्थिति में बंटवारे के सिवा दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं पाकिस्तान के गवर्नर जनरल पद की शपथ लूँगा, लेकिन शपथ के पश्चात मैं आपको पाकिस्तान बुलाऊँगा और आप पाकिस्तान आइएगा। परिस्थिति जब साधारण हो जाएंगी तो भारत और पाकिस्तान दोनों को एक करने के लिए बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप आएंगे। गांधी कहते हैं मैं इंतजार करूँगा तुम्हारे निमंत्रण का। बापू एक बात और, मेरा भारत से उतना ही लगाव है जितना आपका है। भारत के लिए मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। मेरी बेटी आज भी हिंदुस्तान में रहती है। आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी का बेटा आज इंडिया का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है। नेसवाड़िया नाम है उसका। आपने कुछ समय पहले सुना होगा, प्रीति जिंटा नाम की एक्ट्रेस से एक व्यक्ति के अफेयर की चर्चा हुई थी जिसे नेसवाड़िया कहा जाता था। वो नेसवाड़िया के नाना है मोहम्मद अली जिन्ना। आज भी मोहम्मद अली जिन्ना के वारिस लोग इंडिया में रहते हैं और बिजनेस वगैरह भी करते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात, जनवरी का अंतिम समय चल रहा था, गांधी जी के पास फ़ोन आता है। फ़ोन बा उठाती हैं, उधर से आवाज़ आती है कि महात्मा गांधी से बात करनी है। बा पूछती है कौन बोल रहे हो? उधर से बंदा बोलता है पाकिस्तान के सदर रियासत के कार्यालय से बोल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के कार्यालय से बोल रहे हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना उनसे बात करना चाहते हैं। बा भाग कर जाती हैं और बापू से कहते हैं बापू जिन्ना का फ़ोन आया है। बापू आते हैं, फ़ोन उठाते हैं, जिन्ना छूटते ही कहते हैं बापू राम राम। ये पहली बार शब्द थे जिन्ना के महात्मा गांधी के लिए। बापू कहते हैं राम राम। बापू फरवरी के पहले सप्ताह की टिकट भेजिए आपको इस्लामाबाद के लिए, दिल्ली से आओगे ना? पाकिस्तान का गवर्नर जनरल हाउस आपका इंतजार कर रहा है। बात करेंगे भारत और पाकिस्तान दोनों के एकीकरण के लिए। जरूर आऊँगा जिन्ना। दोस्तों बड़ा अफसोस, गांधी जी को फरवरी के प्रारंभ में पाकिस्तान जाना था, परंतु जनवरी के अंत में गांधी की हत्या होने के कारण गांधी न तो पाकिस्तान पहुंच पाए और ना ही भारत और पाकिस्तान का एक होने का सपना दोबारा कभी एक हो पाया। अब यहाँ पर था बंटवारे की कहानी, लेकिन क्लियर कर दूं, भारत और पाकिस्तान कोई अलग देश नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों भाई भाई हैं। एक अलग बात है, कुछ परिस्थितियों के कारण बड़ा भाई और छोटे भाई अलग अलग हो गया, इसलिए हमें पाकिस्तान के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। पाकिस्तान के नागरिक भी हमारे भाई की तरह होते हैं और हम भी उनके साथ भाई की तरह ही हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में 500 लोग रहते हैं, 500 में 5 लोग गलत हैं, तो 5 लोगों की वजह से हम 495 लोगों पर आरोप लगाते हैं। भारत में भी 5 लोग गलत हैं और वो 5 लोग एक दूसरे के साथ घुटन पैदा करते हैं, इसलिए भारत पर भी आरोप लगता है। दोस्तों क्या केवल एक उंगली खराब होने से आप पूरे हाथ पर आरोप लगाओगे? नहीं,
भारत और पाकिस्तान दोनों एक हो सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, कम से कम एक आम आदमी बोलता है जो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, घृणा के भाव पैदा करता है, उसके लिए बोलना ये तार्किक हो सकता है। आप तो कम से कम भविष्य के एक निर्माता होंगे, भारत के संविधान को नए दिशा में ले जा सकेंगे, अतः आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें ये उचित नहीं है। दोबारा मान लीजिए, मैं एक बार फिर बोलता हूं इस चीज को समझाने के लिए। एक बार की बात है, शायद आपको बता दूं भारत और पाकिस्तान कितने अच्छे दोस्त हैं, इसका एक प्रूफ मेरे पास है। आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग ने एक बार 3rd सेंचुरी लगाई थी, 13 शतक लगाया था मुल्तान में टेस्ट मैच में, 13 शतक लगाया था। भारत से बहुत सारे लोग पाकिस्तान मैच देखने के लिए गए थे मुल्तान में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और वो सारे लोग होटलों में रुके हुए थे, और पहले दिन का मैच खत्म हो गया, लेकिन होटलों में लौटे हुए इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस होटलों में लौट के नहीं आए। पाकिस्तान की एम्बेसी में बिल्कुल खलबली मच गई कि सारे भारतीय गए तो गए कहाँ, आसमान निकल गया, जमीन खा गई। जब पुलिस ने छानबीन करना शुरू करी तो 3 दिन तक नहीं मिले। तब 4th दिन जब उनका वीजा खत्म होने वाला था, पासपोर्ट जब टाइम एक्सपायर हो रहा था, तो वो लौट कर जब एयरपोर्ट पर जब पहुँचते हैं या जहाँ पर भी पहुँचते हैं जहाँ से उन्हें वापस जाना था, तो वो सारे के सारे लोग पहुँच गए। वहाँ जब पहुँचे तो पाकिस्तान की पुलिस ने सबको पूछ लिया पकड़ के, कहाँ थे इतने दिन, हम होटलों में तो थे नहीं, तुम्हारे लिए तो वो वाला होटल बुक था। तो उनमें से पीछे से एक व्यक्ति आता है जो पाकिस्तानी था, वो कहता है साहब मेरा नाम ये है और मैं पाकिस्तान का वासिंदा हूँ। भाई ये हमारा भाई है, 1947 में हम दोनों भाई अलग अलग हो गए थे, आज मेरा भाई पाकिस्तान में मेरे घर में आएगा तो क्या ये होटल में रुकेगा मेरे घर पर होते हुए भी? भाई क्या मैं कल को इंडिया जाऊंगा, मैं होटल में रुकूंगा? नहीं, हम दोनों भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। अतः वो मिसाल बन गई, तब भारत में भारत और पाकिस्तान की एकता की भी बात लगने लगी। अतः कुछ लोगों के नकारात्मक विचारों के कारण सभी के नकारात्मक विचारों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, सभी पॉजिटिव दिशा में काम करेंगे तो दोनों देश एक ऊंचाइयों की तरफ जा सकते हैं। बाकी मॉडर्न इंडिया में बंटवारा कैसे हुआ है यहाँ तक मैं समझा चुका हूँ, अब आपको लास्ट एपिसोड बचा हुआ है, मॉडर्न इंडिया का मान लो या देसी रियासतों का एकीकरण और संविधान कैसे बना। अब आखिरी एपिसोड में कल या परसों में जारी करूंगा, उसमें सारी देसी रियासतें भारत में कैसे आई हैं, कैसे पटेल के प्रयासों से या राजा महाराजा हरि सिंह के प्रयासों से या जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कैसे दोनों एक हुए हैं ये बताऊंगा, और भारत का संविधान कैसे बना और संविधान सभा ने क्या क्या किया ये लास्ट एपिसोड में कल या परसों में जारी करूंगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।